का पार्ट में कैसे बना, मैं लकी हूँ। पहली बात तो ये कि मैं मुझे इतना बड़ा रोल करने को का मौका मिला। चुंबक का पार्ट में मिला बना क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर है नरेंद्र कुमार, उनके उनको ये लगा कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट प्रोड्यूस करने का सोचा था, उनको ये लगा कि यार ये रोल मेरे से करवाना चाहिए। तो संदीप मोदी और वो लोग मेरे पास आए। अब मैं इतने सारे सालों से इंडस्ट्री में बैक, ज़्यादातर काम मैंने ऑफ स्क्रीन किया है, और इतना बड़ा काम ऑन स्क्रीन करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ये चैलेंज लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और मैंने वो चैलेंज को स्वीकार किया। ओके, क्या किरदार आप निभाते नजर आएंगे? यू नो एज पर द इंफॉर्मेशन यू आर प्लेइंग अ मेंटली इल। नॉट मेंटली इल, आई एम ट्राइंग टू प्ले, मतलब मेरा जो किरदार है वो थोड़ा सा, ये कहानी है एक बच्चे की जो उम्र में काफ़ी बड़ा है और एक बड़े आदमी की जो उम्र में काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा स्लो है, तो इन दोनों की इक्वेशन की ये कहानी है। तो इट वॉज रियली 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 चैलेंजिंग एंड आई डिड इट। अपना काम जितनी मेहनत करनी थी करी, अब देखते हैं लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, क्या फिल्म को फेस्टिवल्स वगैरह में, क्योंकि मामी में शुरुआत कर दी है आपने, एक अलग तरह की फिल्म है, एक अलग तरह का बच्चे भी इन्वॉल्व है, बच्चों को लेके बहुत कम फिल्में बनती हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अब ये फिल्म को लेकिन फेस्टिवल में तो जाएगी, ये जा ही रही है, मामी ने से शुरुआत हो रही है, मामी में मराठी सेक्शन को ओपन कर रही है फिल्म, लेकिन उसके अलावा भी जितनी चीज़ें मतलब, लेकिन एक थिएट्रिकल रिलीज भी ज़रूरी होता है एक फिल्म के लिए, तो वी आर लुकिंग फॉर दैट। मोस्टली इसी साल हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे, और बच्चों को लेके फिल्में कम बनती है, ये बात सच्ची है, लेकिन मराठी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट अभी भी उठाए जा रहे हैं, मराठी सिनेमा बहुत भी अच्छा करेगी। ओके, इंडस्ट्री के किसी फिक्री लोगों को दिखाना चाहेंगे? बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो आपके दोस्त हैं। यार मैं तो सबको दिखाना चाहूँगा, कुछ लोग यहाँ आने भी वाले हैं आज। अब आज देखो कौन कौन आता है, राजू हिरानी को मैंने मुझे दिखानी है फिल्म, बालकी साहब को मुझे दिखानी है फिल्म, गौरी शिंदे है, अभी मैंने पैडमैन तो उनके साथ काम किया बालकी सर के साथ, तो अक्षय सर है हु वॉन्ट्स टू सी द फिल्म, बट आई एम श्योर अक्षय सर यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो मामी का मामला है, बट या देयर आर मेनी पीपल एंड आई विल बी शोइंग इट टू एवरीबॉडी। ओके, क्या कुछ वजन वगैरह भी कम किया है आपने, अपने अपनी अपनी बॉडी पे भी कुछ वर्कआउट किया? वी कैन सी दिस। या मेरी बॉडी पे वर्कआउट किया है, वो उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा तबीयत ख़राब थी इसलिए हुआ है, मैंने कुछ खास उसके लिए मेहनत नहीं की है, बट हाँ अब चूँकि सीरियसली एक्टिंग अगर करनी है तो बॉडी पे वर्कआउट करना पड़ेगा और वजन तो कम करना रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। संदीप मोदी, डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म एंड एड फिल्म मेकर एंड ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनर। This is my first debut film which I have made in Marathi. So yeah, it's called Chumbak and you guys are here. Thank you so much. Sandeep, uske alawa bahut bade bade director ke sath bhi aap kaam kar chuke hain, wo experience sab kuch jod ke is film pe laga diya hoga, aapko experience jana chahiye, aur kaise film ka janam hua hai, how this film happened? See, basically of course every director, every filmmaker you work with, jaane anjaane mein aap unse har kisi se seekhte hain aap, and Chumbak ka janm par as a idea hua andar se, just an observation of life. एंड वहाँ से बनते बनते वन लाइनर से लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। दिस इज हाउ इट इज़। व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट? इट्स कमिंग ऑफ एज स्टोरी। साहिल कैरेक्टर कॉल्ड बाड़ू एंड हिज जर्नी ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन हिज कॉन्शियंस एंड हिज ग्रीड। सो इट्स लाइक दोज टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चुंबक। ओके संदीप, द कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो especially Savanand Kirkiret, or was there in your mind you want Savanand to be absolutely part of not it? I had no idea I'll cast Savanand. When we wrote it, we had no idea who will play this part, and then our producer Naren Kumar, he came up with this ingenious idea of casting Savanand, and I thought it must be like the must be just like a aise hi idea de diya hai, but when we met him and when we read the script and we worked together for a few days, realized it was one of the best decisions we could take, and I think once you guys watch the film you'll know it's played the parts बहुत बहुत सुंदर तरीके से। ओके, क्या खास होगा फिल्म में? बच्चों पे भी बहुत कम फिल्में बनती हैं, अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, मराठी में बनाने का फैसला किया आपने, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है अगर हम हिंदी में बनाते, और या फिर वो उसका यू नो जो एहसास है खुशबू क्या है? फिल्म जो है ये बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है, और जो कैरेक्टर की भाषा है वही भाषा, ये फिल्म का ये निर्माण हमने मराठी में किया, वही मेन रीज़न था, कारण था। सिनेमा और आर्ट ये सब एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सो ऐसे लैंग्वेज को ज़्यादा मायना उस पर होता नहीं। ओके, आर यू प्लानिंग टू टेक द फिल्म टू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल आल्सो? सो इट इज स्टार्टेड। वी हैव द प्रोड्यूसर्स हियर एंड आई थिंक दे कैन द बेस्ट वंस टू टेक दिस कॉल। ओके बालू, यस, हाउ हैप्पी यू आर, कितने खुश हैं आप? साहिल, कितने खुश हैं आप फिल्म का हिस्सा बनके, और क्या क्या किरदार निभाते नजर आएंगे आप? कैमरा लुक, मैं 14 साल का कॉमन ऐसा लड़का हूँ, और मेरा ड्रीम और मेरे
ह्यूमैनिटी और ड्रीम में मैं कैसे फंसा हूँ इस पे ऐसा फिल्म रिलेटेड है। कैसा एक्सपीरियंस रहा सोनम के साथ का? बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा है। क्या फिल्म रुलाएगी या हंसाएगी? दोनों करेगी। कब कब? फर्स्ट हाफ में शायद हंसाएगी थोड़ी सी, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रुलाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद पिछले कई साल की बेहतरीन मराठी फिल्म है, ऐसी ये फिल्म एक होने वाली है। संदीप मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंथुजियास्टिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छा काम किया है उसने, बहुत इन्वॉल्वमेंट और बहुत कमिटमेंट के साथ काम करता है। और मैंने जो फिल्म देखी है, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि एक बहुत बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छा डायरेक्टर मराठी हिंदी सिनेमा को मिलने वाला है इस फिल्म के बाद। क्या खास लगा फिल्म में? बच्चों को लेकर वैसे भी बहुत कम फिल्में बनती हैं, द फिल्म इज कमिंग दैट टू इन मराठी। देखिए, मराठी सिनेमा में बच्चों की या जेन्युइन कहानियों को लेकर जिस तरह का काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है। मतलब अगर आप मुझसे कहें तो मैं तो मराठी सिनेमा के डायरेक्टर्स के मंदिर बना के उनकी पूजा करूँ, वो इतना अद्भुत काम कर रहे हैं। और वो जो बेहतरीन मराठी सिनेमा आपने देखा है, किला, सैराट, उसी किश्त में ये फिल्म है। ये फिल्म लोगों को उतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ओके शिवाजी, और आपकी तरफ क्या हो रहा है? मैं अभी एक फिल्म लिख रहा हूँ यार, वो लिख लूँगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी लिख रहा हूँ। कास्टिंग कुछ जॉनर के बारे में बताना चाहेंगे? किस लिख रहा हूँ, इट्स टू अर्ली। ओके, दिवाली के बारे में अगर दिवाली के लिए विश दे दें लोगों को। सभी लोगों को, सभी मित्रों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बैक। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड ब्यूटीफुल डायरेक्शन, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। ओके, संदीप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर की पहली डेब्यू फिल्म है, वेरी गुड स्टोरी टेलर, वेरी गुड स्टोरी। इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, सिंपली डायरेक्टेड स्टोरी है, देर इज नो कॉम्प्लिकेशन, बट इट्स एक्साइटिंगली स्टोरी टेलिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, कास्टिंग भी बहुत अजीब, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कास्ट, सुपर, शी इज वेरी गुड इन द फिल्म। ओके, थैंक यू सर।